गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड वी नो दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली अ सर्किट अरेंजमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेटा? एक सर्किट है जिससे हम किसी भी अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स प्रिंसिपल व्हिच इज बेसिकली द बैलेंस कंडीशन। तो हमने इसका प्रिंसिपल डिस्कस किया था, क्या था वो? बैलेंस कंडीशन। कि हम कब बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस है, कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में जो सेंटर वाला रेजिस्टर है, मतलब सेंटर में हम क्या लगाते हैं सर्किट में, जो आपने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर, क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर। कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता तो हम बोलते हैं कि ब्रिज क्या है हमारा? बैलेंस्ड है। और वो जो बैलेंस कंडीशन हमने डिराइव की थी वो क्या आएगी? पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस, यही आएगी। तो उस बैलेंस कंडीशन को समझने के लिए एक छोटा सा मॉडल हमारे सामने है यहाँ पे। अब बैलेंस कंडीशन को कैसे समझना है? अब यहां मैंने रेजिस्टेंस की जगह क्या यूज किए हैं? बल्ब यूज किए हैं। अब आपको यहां नजर आ रहा होगा कि दो तो मैंने लिए सीएफएल, ये सीएफएल आइडेंटिकल है, सेम पावर की है, तो इनका रेजिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली क्या है दोनों का? सेम है। इसी तरह से मैंने यूज किए हैं दो बल्ब 100 वाट के, अब ये भी आइडेंटिकल बल्ब हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। तो हम इन बल्ब को एज ए रेजिस्टर इस सर्किट में यूज करेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि इनमें करंट पास होगा या नहीं। अब बल्ब से जब करंट पास होगा तो हीटिंग से उसमें वो ग्लो करेगा, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ बल्ब में करंट है। और इधर सीएफएल अपने अलग लॉजिक पे वर्क करते हैं, तो सीएफएल को भी हम इसी तरह से चेक करेंगे कि ग्लो कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बैलेंस कंडीशन वाली ट्रिक समझाता हूँ। सपोज यहां पे ये बल्ब मैंने लगा दिया, ये हमारा आर वन रेजिस्टर हो गया, यहां पे एक बल्ब लगा दिया, ये हो गया आर टू रेजिस्टर, यहां पे मैंने सीएफएल लगा दी, ये हो गया आर थ्री रेजिस्टर, और एक सीएफएल मैंने बेटा यहां लगा दी, ये हो गया हमारा आर। अभी अगर मैं सर्किट आपको दिखाऊं तो ये सर्किट कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है। ये हमारा जो तुम्हें अगर थ्योरी में समझाया जाता है पी रेजिस्टर है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। अभी इसमें मैंने आर वन आर टू आर थ्री आर फोर से लिख दिया। तो अभी फिलहाल देखो इसमें ये इधर ये बल्ब लगा है और इधर भी सेम आइडेंटिकल बल्ब लगा है, इधर सीएफएल है, इधर भी सेम आइडेंटिकल सीएफएल है। तो अभी ये जो मेरा ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, क्योंकि पी बाय क्यू इक्वल आ रहा है आर बाय एस। जितना रेजिस्टेंस इसका उतना ही इसका, तो इनकी रेशो वन आएगी। जितना रेजिस्टेंस इस सीएफएल का उतना ही इस सीएफएल का, तो इनकी भी रेशो वन आएगी। तो अभी ये ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। तो चलिए मैं स्विच ऑन करता हूँ। और आपने पढ़ा है कि अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो बीच वाली वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब मैं जब स्विच ऑन करूंगा तो इसका मतलब है कि आप इस बल्ब में करंट ग्लो करंट नहीं होना चाहिए और ये बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। तो चलिए लेट्स ऑन द स्विच। तो अब मैंने स्विच ऑन कर दिया आपके सामने और आपको नजर आ रहा है ये बल्ब और ये बल्ब भी ग्लो कर रहा है, क्योंकि दोनों में करंट जा रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, लेकिन ब्रिज हो चुका है बैलेंस, ये वाला बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम स्टेप क्या करने वाले हैं कि अगर हम इन बल्ब्स को इंटरचेंज कर दें तो उससे हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो चलिए अब इनको मैं इंटरचेंज करता हूं और फिर देखते हैं क्या हमें मिलता है रिजल्ट। तो अब मैं क्या करता हूं, जो ये बल्ब है इसको यहां से निकाल के इसकी जगह लगा देता हूं सीएफएल, और यहां लगा देता हूं ये बल्ब। अब मेरा जो ब्रिज है वो बैलेंस नहीं रहेगा। अब मेरा ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि अब आर वन यानी कि या को इसको भी पी बाय क्यू इक्वल नहीं होगा आर बाय एस, क्योंकि पी बाय क्यू की वैल्यू अब की बार आने वाली है कम, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है इसका ज्यादा है, और इधर R बाय S की वैल्यू ज्यादा आने वाली है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका कम है। तो अब ये ब्रिज अनबैलेंस्ड है, P बाय क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाय S। मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। सपोज इसका रेजिस्टेंस, मान लिया इसका रेजिस्टेंस है सपोज 100 ओम और इसका रेजिस्टेंस है मान लिया 200 ओम सपोज, तो ये रेशियो आएगी 100/200 यानी कि 1/2, और इधर क्या आएगी ये 200 ये 100, इधर आएगी 200/100 2, तो अब रेशियो सेम नहीं है तो मेरा ब्रिज बैलेंस नहीं है। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है
तो इस वायर में करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब भी क्या करेगा, ये भी चमकेगा, ग्लो करेगा। तो चलिए स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि ब्रिज बैलेंस, अब अनबैलेंस्ड ब्रिज के केस में ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो आप देख सकते हो अब ये ब्रिज अनबैलेंस्ड है और इस बल्ब में भी करंट ग्लो कर रहा है, थोड़ा कर रहा है लेकिन कर रहा है। आप पास से इसको दिखा सकते हो, ये देखो ये इसका जो फिलामेंट है वो ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स अब मेरा ब्रिज अनबैलेंस्ड है, इसमें से करंट जा रहा है। तो ये है सिंपल सी एक वर्किंग जो हमें एक्सप्लेन करती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से काम करता है, बैलेंस्ड कंडीशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।